हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी कितने बजे? सुबह 9 बजने वाले हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। और हमारे घर में तहस नहस हो रखी है, ऐसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। अभी हम सुबह की चाय, और साथ में है मेरे पास रोस्टेड कैशियूज। उसके बाद हमें सब कुछ ये सब साफ करना है, किचन सही करना है, उसके बाद वहाँ खाना पक सकता है। तो साफ सफाई करने के बाद आज एक हफ्ते बाद बनेगा दिन में किचन में खाना, जो बनाएंगी आप। देखते आज क्या बनाएंगे, क्या बनाना है पहले अभी काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते क्या है। पहले काम फिर आराम। दिन में तो दाल चावल ही खाते हैं, बट फिर भी देखते हैं अगर कुछ और खा सके तो। पर ना, हम बाहर से मंगाएंगे, आपने कहा था कल, मैंने सोच लिया था तुलसी वाली चाय और रोस्टेड कैशूज जो कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। कैसा हो रहा है यार? नॉर्मल रोस्टेड कैशूज काली चाय के साथ ज़्यादा अच्छे होते हैं। चाय भी अच्छी है, बस थोड़ी चीनी कम है, जो कि सही है। मौसी को थैंक्स, उनके इंडक्शन में ये चाय बनी। मौसी, एक हफ्ते से वी आर लिविंग इन अ मेस, तो आज फाइनली जब सब कुछ साफ वगैरह हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता था एक हफ्ते से कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ। थैला लेके जा रही हूँ मौसी के यहाँ, खाना ला रही हूँ, फिर यहाँ आ रही हूँ सिर्फ सोने के लिए। बट ठीक है, और इतनी गर्मी नहीं थी, मतलब जब तक काम चला इतनी गर्मी नहीं थी, थोड़ी बारिश थी, जो कि जो भी एक दिक्कत थी बारिश, बट गर्मी से ठीक है। तो इतना लंबा टाइम वेट करने के बाद मम्मी को अलग सा लगेगा, उनको उनके पुराने किचन की याद आएगी, बट उनको अपने नए किचन से प्यार हो जाएगा। इतने टाइम से ना सुबह बड़ी अधूरी अधूरी सी हो रही थी, क्योंकि सुबह की चाय मिल रही थी। वैसे मैं सुबह उठ के चाय पीती नहीं हूँ, बट लेकिन जब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है ना, उस टाइम पे आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये है। तो मुझे चाय पीने का इतना मन कर रहा था, घर में जो दूध आता है वो नहीं रहा था, चाय तो बनी नहीं, इंडक्शन में हम काली चाय पी रहे थे, दूध था नहीं, लाए भी नहीं। आज एक हफ्ते बाद चाय पी है, ऐसा लग रहा है तीसरी आँख खुल गई। बेहतरीन चाय जो उठाती है ना, वो कोई नहीं उठाता यार। इस टोटल मेस में कुछ हुआ नहीं है प्रॉपर। मम्मी बिना गाने के काम कैसे करेंगे? सारा काम खत्म हो गया है और बैंड बज गई है। सच में बैंड बज गई है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पहले तो खाना आएगा बाहर से, खाएंगे और सो जाएंगे। खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आएगा और खाने के बाद हम करेंगे रेस्ट। रेस्ट सारा काम हो गया है, मैं नहा भी गई हूँ, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। गाइसी व्लॉगर मम्मी ओपी इन द चैट, प्लीज कमेंट व्लॉगर मम्मी ओपी इन द चैट। अभी तक मैं इस किचन में 5 बार पोछा लगा चुकी हूँ मैं, और तभी भी 2-3 दिन का काम और है इसमें। 2-3 दिन तक सफाई करनी पड़ेगी यार। शीशा ही गंदा, पैर तो ऐसे कांप रहे ना, जान ही नहीं रहेगी। और मुझे पता है कि फ्रिज खोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं। देखो स्नैक्स के लिए बता दूँ, करेले वो भी खराब हो चुके हैं। पता नहीं कितने करोड़ बार ये बर्तन धुल रहे हैं,
कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। चलो तो आई विल सी यू खाना खा के, सी यू इन अ बिट, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। वेट कर रही थी अब मम्मी, अभी भी मार्केट से आ रही है। मम्मी क्या करके आ रही हो, कहाँ गई थी? भागवत कथा से मम्मी लाई है वहां से एक फूल और पिछली वीडियो में जो मेरा सबटाइटल था उसमें मैंने लिखा था इज इट गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यूट्यूब पे लास्ट वीडियो, उस फ़ोन से मेरा लास्ट वीडियो था। वो फ़ोन जा चुका है, नया फ़ोन आ चुका है। खाना बनाने के अभी भी सोच ही रहे हैं। हाँ पता नहीं पर कुछ किया, समझ में नहीं आ रहा। दिन में रेस्ट तो मिला ही नहीं, दिन में रेस्ट मिला नहीं, शक्ल में 12 बजे में मम्मी के भी मेरे भी, पता नहीं क्या करेंगे अभी रात के खाने का। नाना तो है ही, खाना भी है ही, पता नहीं। मम्मी खाना नहीं बना रहे हम? मम्मी साइड देखती हूँ तो अपनी होप्स हाई नहीं करती मैं। सो एग्जॉटिक गढ़वाली फूड मेकिंग बन चुकी है, सब्जी हरी सब्जी रोटियां भी बन चुकी है, मम्मी बनाई है। और मम्मी पता नहीं 10वीं 12वीं करोड़ वाला बर्तन ढूंढ रहे हैं। हाउ यू फीलिंग मम्मी आज करोड़ों बार झाड़ू पोछा बर्तन धो के, कैसा लग रहा है? पपैया पपीता, देखो लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जी। क्या अभी इन प्लास्टिक के पौधों को भी इनकी जगह में रखना है, मैं सोच रही हूँ इनकी जगह बदल दूँ, जो कि मेरी मम्मी पॉसिबल होने नहीं देगी। ये सोच के दुख लग रहा है कि जब किचन में पेंट होगा, रैक्स लगेंगे, तब कितना धूल मिट्टी होएगा। मम्मी यू आर अ ब्यूटी फूल। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं रही अब मम्मी का मैं। वाइल ईटिंग पपाया मम्मी वॉन्ट्स टू से, मम्मी व्हाट डू वॉन्ट टू से? लाइट फैन ऑन कर दो। सो आई वॉज टेलिंग यू गाइज वाइल ईटिंग पपाया मम्मी वॉन्ट्स टू से, मेरा मन कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना प्लीज। अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। बाय मम्मी, बाय करो। चलो फैंस मुझे टाटा कर दो।